हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान एंड आई एम एहसान अनवर अगेन एट योर सर्विस विद अ न्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 5, जिसमें आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने हैं, उसी में फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह बहुत ही आसानी से इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द बोर्ड। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज एंड द फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी गिवेन इज 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin² a अपॉन 1 - cos a। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन का जो हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो लिख लेते हैं। LHS इक्वल टू 1 + sec a अपॉन sec a। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि sec a cos a का इन्वर्स होता है, तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos a। इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी sec a को हम लोग 1 upon cos a लिख देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोग 1 + 1 upon cos a इसे ऐड करते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और cos a का LCM आपका क्या हो गया, cos a, एंड देन cos a इंटू 1, इट इज़ cos a एंड प्लस 1, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, 1 upon cos a, ये चेंज नहीं होगा। आफ्टर डैट स्टूडेंट्स, cos a + 1 upon cos a, और ये 1 upon cos a जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos a upon 1। स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेयर यू कैन कैंसिल cos a cos a, एंड फाइनली व्हाट रिमेंस, cos a + 1 cos a + 1। और स्टूडेंट्स, इस cos a + 1 को वी कैन ऑल्सो राइट 1 + cos a। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इसे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + cos a, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में भी 1 - cos a, साइन चेंज करने के बाद, मिडिल साइन चेंज करने के बाद 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर देंगे, और न्यूमिनेटर में भी 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका क्या हो गया, न्यूमिनेटर में 1 + cos a एंड 1 - cos a, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 - cos a बच गया। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, यू कैन सी a + b a - b, दैट इज 1 + cos a और 1 - cos a प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसे हम a + b a - b के फॉर्म में जब ब्रेक करेंगे तो हमें मालूम है कि a + b a - b ये आपका क्या हो जाता है, a² - b² और ये डिनोमिनेटर आपका वैसे ही रह गया, कोई चेंज नहीं आया। फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट 1² इट इज़ 1 - cos a² इट इज़ cos² a एंड अपॉन 1 - cos a। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 - cos² a आपको मालूम है ये क्या होता है, sin² a, और 1 - cos a आपका 1 - cos a, ऐसे ही रह गया डिनोमिनेटर। और स्टूडेंट्स, यही रिक्वायर्ड आइडेंटिटी है, क्वांटिटी जो हमें प्रूफ करना था, sin² a upon 1 - cos a, और यही आपका RHS के इक्वल हो गया और ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह बहुत आसानी के साथ ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू।